हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक करेले की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसके लिए मैंने यहाँ पे करेले, एक पाव मैंने करेले 250 ग्राम मैंने करेले को पतले पतले स्लाइस इसके काट लिए हैं। और हमें इसके पहले कड़वा जो इसका पानी है उसे निकालना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के नमक डाला है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डालूँगी। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स का हाथ से मसल के मिक्स करूँगी इसे, और हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 20-25 मिनट भी इसे छोड़ सकते हैं, जिससे कि इसके जो कड़वे पानी होते हैं वो निकल जाते हैं नमक और हल्दी के कारण। तो यहाँ पे हो चुके हैं, 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पानी कैसे निकले हुए हैं। अब मैं इन पानी को निकाल देती हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, आप इसे हटा दीजिए। और उसके बाद हमें यहाँ पर करेले को अच्छे से वॉश करना है। तो मैं पहले करेले में मैंने यहाँ पर इसे पानी डाल के हाथ से इसे दबा करके सारे करेले निकाल लेती हूँ। देखिएगा इसमें कितने कड़वे पानी, इसके नीचे ग्रीन पानी निकलेंगे। तो इसे, इसके जो कड़वापन होता है इसका बिल्कुल भी निकल जाता है अच्छे से। इससे सब्जी कड़वी नहीं होती है। मैंने इसे वॉश कर लिया था एक बार। और अब मैंने यहाँ पे 3 चम्मच भर के दही डाली है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। नमक डाला है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच भर के। और यहाँ मैं 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गार्लिक पेस्ट डाला, मैंने 1 चम्मच मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर मैंने लिया है, और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे गोल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और मैंने 1 चम्मच मैंने यहाँ पे करी पत्ते के पाउडर डाले हैं, और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। करी पत्ते अगर आपके पास नहीं हो तो आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं, तो फिर भी आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से आप सब्ज़ी को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, और ये कड़वा भी बिल्कुल नहीं लगेगा। इस तरीके से मसाले को अगर अच्छे से आप पहले करेला में मिक्स कर दे तो इसे मैंने कर दिया, मैं ढक के छोड़ देती हूँ। अब चलते हैं पहले गैस की तरफ, और मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म करके उसमें मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाले हुए हैं 4 चम्मच भर के, और 3 मैंने यहाँ पर रेड चिली डाली है, ड्राई रेड चिली। और यहाँ मैं 2 मैंने बड़े प्याज को पतले पतले स्लाइस लिए थे इसके, और मैंने उसे डाल दिया है। हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसके कलर चेंज नहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो रही है, और हमें इसे बिल्कुल भी इतने फ्राई करने कि अच्छे से इसके कलर चेंज हो जाए, मतलब फ्राई हो जाए ये। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो रही है ये। तो इसी स्टेज पे हमें वो करेले जो हमने डाले थे वो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मैंने एक टमाटर को पतले लंबे कट कर लिए थे, उसे भी मैंने साथ में ऐड किया है। तो टमाटर को जब अगर ऐड करने हो आपको तो आप करेले के साथ में ही कीजिएगा, पहले से प्याज के साथ में हमें उसे नहीं पकाना है, हमें उसे करेले के साथ डालना है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पहले इसे पकाऊंगी, जिससे इसके पानी थोड़े कम हो जाएंगे। उसके बाद हमें इसे ढक के पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने इसे ढक दिया है। तो ये 8 से 10 मिनट में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। चूँकि इसमें मैंने करेले में दही ऐड किया था, तो आप देख सकते हैं इसे, इसकी कलर बहुत अच्छी आई है। लेकिन हमें इसे अभी और पकाना है। तो यहाँ पे मैं इसे पहले 2-3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद हमें पानी ऐड करके इसे ढक देने हैं। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो इन्हें हमें थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है, जिससे कि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हमें पानी ऐड करना है इसमें।
तो मैंने यहाँ पे एक छोटे बाउल से पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी ज़्यादा लेनी नहीं है, हमें यह सूखे ही सब्ज़ी बनानी है। अगर आपको ग्रेवी लेनी हो तो आप इसमें एक बाउल डाल सकते हैं, बड़े बाउल डाल दीजिए पानी। तो इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है इसमें छोटे बाउल से, और अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी फिर से 6 से 7 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं 7-8 मिनट में इसके पानी सूख चुके हैं, ऑयल बाहर निकल रही है, सब्ज़ी पक चुकी है, हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई हुई है। अब मैं यहाँ पे थोड़े से मैं यहाँ पे मैंगो पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप मैंगो पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इमली की थोड़ी सी 1 चम्मच प्यूरी डाल सकते हैं। वैसे हमने दही ऐड किया था इसलिए सब्ज़ी वैसे ही खट्टी हो गई है। तो इस तरह से आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी ये सब्ज़ी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।